बिलासपुर जिले के तहसील रतनपुर में है। यहाँ है रतनपुर का प्राचीन किला जिसे पृथ्वीदेव ने बनवाया था। दोस्तों, यह किला आपको रतनपुर बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगा। रतनपुर नेशनल हाईवे 130 के मध्य में पड़ता है। तो ये एंट्रेंस था जहाँ से हम लोग प्रवेश किए, और आगे ये किले का छोटा सा गेट जैसा है। ये पुराना मतलब महल था, पर जब मराठा शासन के समय हमला हुआ था उस समय ये जर्जर हो चुका है, तो ऐसा शेप आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जानेंगे और इस किले के बारे में भी हम जानकारी लेंगे दोस्तों इस वीडियो पे। कलचुरी राजवंश की कुल देवी गजलक्ष्मी को माना जाता है। संभवतः इसी से प्रेरित होकर इस किले का नाम गज किला रखा गया है। इस किले में चार द्वार बने हुए हैं। दोस्तों, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, जैसे कि पाली का वीडियो देखा होगा आपने, पाली के शिव मंदिर का या जहांगीर के नट्टा मंदिर का, वैसा ही डिज़ाइन सेम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस गेट पे देखिए, शैव और वैष्णव धर्म के मिश्रित मंदिर का ये शेप जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, जय विजय दो द्वारपाल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर गंगा मैया और यमुना मैया दिखाई देती हैं। इसे इस गज किले का सिंह द्वार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ उत्कीर्ण कलाकृतियों में यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं के साथ साथ ही रावण यज्ञ का भी चित्रण मिलता है। दोस्तों, ये देखिए, रावण द्वारा अपना सिर काटकर शिव जी को अर्पित करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, रतनपुर के किले से संबंधित क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो आप वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक प्रतिमा मिलती है जो कि वीर गोपाल राय की है, और अब यह खंडित अवस्था में है। दोस्तों, ये कलचुरी राजा कल्याण साय के सेना नायक रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा दीवार यहाँ पर टूटा हुआ दिख रहा होगा। जब मराठा शासन के भास्कर पंत ने जब यहाँ हमला किया था, तो उस समय रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे, कलचुरी शासक, 60 वर्ष के थे, तो वो युद्ध संभाल नहीं पाए थे और हमला हुआ था, तोप से हमला किया गया था, तो ये जो किला था ये ढह गया था। किले का एक रूप इस तरफ भी आप देख सकते हैं। अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी कलचुरी शासन का। मुख्य रूप से रतनपुर ही छत्तीसगढ़ का राजधानी हुआ करता था उस समय। लगभग 1200 वर्षों तक कलचुरी राजवंश ने छत्तीसगढ़ में शासन किया है दोस्तों, और बहुत ही लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर रही है। आज के छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, प्राचीन छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस किले का निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा किया गया माना गया है, जबकि टेक्स्ट बुक में आपको पृथ्वीदेव प्रथम का नाम अंकित किया हुआ दिखता है। किले के इस दीवार में बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया हुआ आपको मिलेगा, और ये जो द्वार आपको देखने को मिल रहा है इसे गणेश द्वार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो कि किले का एक दूसरा द्वार है, इस द्वार के अंदर से जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देती है जो कि नवीनतम है। इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करने का एक वजह यह भी है कि इसके पीछे से एक खुफिया रास्ता है जो कि किले की बहुत सारी जानकारियाँ देती है, जिसे बंद कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों से बात करने पर ऐसा मत उनका मुझे पता चला। दोस्तों, सिंह द्वार से निकलकर आगे बढ़ने पर हमें एक मंदिर दिखाई देता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है दोस्तों, जिसे मराठी साम्राज्ञी आनंदी बाई ने बनवाया था। इस मंदिर से दाई तरफ मुड़ने पर हमें खंडहर दिखाई देता है दोस्तों, और यहाँ पर महल रहा होगा, बहुत सारे कमरे जैसा शेप है, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, संभवतः यह स्थान निवास करने का स्थान रहा होगा, जिसके अब सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक अच्छा काम किया है। दोस्तों, देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर गार्डनिंग आपको देखने को मिलेगा, ये पर्यटकों के लिहाज से बनाया गया है। कुछ टाइम यहाँ विश्राम करते हुए आप अपने ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत को जितना समृद्ध माना गया है, वैसा ही हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी या रतनपुर कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रहा है। वहाँ जाने वाले हैं उस डेस्टिनेशन की ओर। मेरे पीछे आप एक पिरामिड देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी सुंदर डेस्टिनेशन पॉइंट भी है। मेरे पीछे आप एक कपल को भी देख सकते हैं। शिवम द विजिटर ब्लॉग। आइए जानने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एक स्नानागार रहा होगा जहाँ पहले नहाया करते होंगे। यहाँ एक कुप भी दिखाई दे रहा है जिसे अभी हम कुआं कह सकते हैं। अभी तो यह सूख चुका है, पर हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा गहरा रहा होगा, क्योंकि अभी बहुत ऊपर तक मिट्टी दिखाई दे रहा है और इसकी गहराई भी कम है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और आगे अभी और दो द्वार बचे हुए हैं
कोशिश करते हैं जानने का ये कौन कौन से द्वार हैं। भैरव द्वार और सेमर द्वार, दो द्वार अभी और शेष हैं। दोस्तों यहाँ पर एक तालाब है, इसे पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया था। अभी तो पानी भरा हुआ है, ये नॉर्मल दिख रहा है, पर ये बहुत पुराना तालाब है। और किले का कुछ भाग यहाँ भी है, आपको पीछे दिख रहा होगा। यह एक खाली पड़ा हुआ मंदिर है जिसके अंदर कोई प्रतिमा अभी तो विराजित नहीं है। आगे जो अवशेष रूपी महल है उसका जो मुख्य गेट है उसे भैरव द्वार के नाम से जाना जाता है। किले का कुछ और भाग है ये, देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों इसके मुख्य द्वार पर हम जा नहीं सके क्योंकि कुछ काम चल रहा था। यहाँ भी आपको खंडित अवस्था में ही महल के कुछ अवशेष दिखाई देंगे। कलचुरी राजवंश में लक्ष्मण साय नामक एक राजा हुए थे जिनकी पत्नियों ने यहाँ पर इस झील में लक्ष्मण साय की 20 रानियाँ सती हुई थी। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें इस किले का अंतिम द्वार सेमर द्वार दिखाई देता है। दोस्तों इससे लगा हुआ क्षेत्र मोतीपुर नामक एक छोटा सा गांव है। अन्य तीन द्वार से यह थोड़ा सा भिन्न है और उतनी ज़्यादा इसमें कलाकृतियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी जर्जर अवस्था में भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम हाथी किला या गज किला की डेस्टिनी को समाप्त करते हैं दोस्तों। और इसके बाद इसी के परिसर में ही हमें एक जगन्नाथ मंदिर मिलता है जो काफ़ी पुराना है और इसका निर्माण कल्याण साय ने कराया था। आप यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके साथ उनकी छोटी बहन माता सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलराम जी की प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ एक प्रतिमा कल्याण साय जी का है जो कि कलचुरी राजवंश के राजा हुए थे। यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी हैं साथ में मेरे, थोड़ा सा इनसे भी चर्चा कर लेते। जगन्नाथ प्रणाम, बताइए। ये मंदिर 1150 के आसपास था, कलचुरी वंश जब आया तो राजा कल्याण साय उन्होंने बनवाया था। चूँकि जगन्नाथ जी का रथ सभी जगह निकलता है लेकिन ये ऐसे हैं जो यहाँ प्रतिष्ठित हैं, इनके रथ नहीं निकलता। ये राजा कल्याण साय हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया। ये भगवान के जो है सवारी पार्षद गरुड़ जी महाराज हैं। ये माता अन्नपूर्णा है, दुर्गा माता ही है। ये भगवान सत्यनारायण विष्णु जी। ये प्रतिमा भी पुरानी होगी, पुरानी वंश की है, कलचुरी वंश। बाद में थोड़ा सा इस पे डेंटिंग पेंटिंग भी किया है, कलचुरी वंश की है। दोस्तों यहाँ अनेक सारी प्राचीन प्रतिमाएं दिखाई देती है जिसका नामकरण कर दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। एकादशी, द्वादशी, तो कहीं पर नारायण तो कहीं पर विष्णु जी, ऐसी प्रतिमा में लिखा हुआ है। मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊँगा, समय के साथ ऐसा हो सकता है, हो जाता है, आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो को आखिरी तक देखने पर आपको इसका कुछ सार भी देखने को मिलेगा लक्ष्मी मंदिर पर। गज किला से निकल कर हम पहुँच गए यहाँ के सबसे प्रसिद्ध महामाया मंदिर में, जिसे छत्तीसगढ़ में स्थानीय निवासी एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजते हैं। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया था। रत्नदेव प्रथम का शासनकाल 1045 ईस्वी को माना जाता है। कलचुरी राजवंश में गजलक्ष्मी को उनका कुल देवी माना गया है, तो संभवतः महालक्ष्मी के रूप में मुख्य प्रतिमा को पूजा जाता था। समय के साथ साथ त्रिदेवी प्रतिमा का निर्माण किया गया, जबकि आप वर्तमान में इस प्रतिमा में द्वि प्रतिमा देख सकते हैं। मंदिर के पास ही एक खूबसूरत सा जलाशय है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको दाना दिया जाता है। तो यहाँ है लक्ष्मी देवी का मंदिर, ये पहाड़ ऊपर में है, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा। और इसका निर्माण किया था राजा रत्नदेव तृतीय ने, 1178 में उनका शासनकाल स्थापित हुआ था। आगे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं जिसमें आपको चढ़ना पड़ेगा और लक्ष्मी देवी माता का दर्शन होगा वहाँ आपको। लक्ष्मी देवी को पहले एकवीरा देवी के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में, और इस मंदिर का निर्माण रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने कराया था। रत्नदेव तृतीय 1178 के बाद शासन किए थे, तो इसी दौरान उनके प्रधानमंत्री गंगाधर ने इस एकवीरा मंदिर का निर्माण कराया था जो कि एक प्राचीन स्मारक है, प्राचीन मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं आगे जाकर। मंदिर कोटा की ओर जाने वाली मुख्य रोड से लगा हुआ है। दोस्तों एकवीरा देवी के मंदिर यानी कि लक्ष्मी देवी के मंदिर के लिए इसी सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा हमें, और टोटल यहाँ पर टोटल आपको 259 सीढ़ियाँ दिख रही होगी। और आगे बढ़ेंगे तो ये पहला सीढ़ी हो गया, दूसरा सीढ़ी हो गया, ऐसे करते हुए टोटल 259 सीढ़ियाँ हमें चढ़ना पड़ेगा। पहले मुझे लगा 200 सीढ़ियाँ हैं पर ये 259 सीढ़ी है। यहाँ 59, तो मतलब यहाँ से एक्सपेक्ट कीजिए 200 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेगी। तो पास में या फिर भी और रहा हूँ। दोस्तों वैसे ये मंदिर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, आप 15 से 20 मिनट में चढ़कर ये दूरी तय कर लेंगे। हाँ, इसके ऊपर पहाड़ी में एक राम जी का मंदिर और एक हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है जो कि नवीनतम है।
और NH-130 मुख्य मार्ग से भी दिखाई देता है। दोस्तों, रतनपुर की ऐतिहासिक जानकारियाँ देने के कारण मैंने किसी भी नवीनतम मंदिर को इस वीडियो पर ऐड नहीं किया है। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये माता लक्ष्मी जी का है। स्थानीय निवासी इसे लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। यह स्थानीय बोलचाल की भाषा के कारण परिवर्तित हो गया। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बात और बताना चाहूँगा कि सभी देवियाँ, जितनी भी माताएँ होती हैं, सभी एक आदिशक्ति का रूप ही होती हैं और ये प्राचीन शाक्त धर्म के अंतर्गत आती है। तो भाई, अब हम वापस कोरबा जा रहे हैं। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट है, सनम रेस्टोरेंट, जो कठोरा से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो यहाँ हम रुके हुए हैं। ये हमारा आज का खाना पीना देख लीजिए, और साथ में मेरा एक दोस्त है यहाँ, विकास, विपिन, जो भी बोल सकते हैं, हाय बोल रहे हैं। हेलो, हाँ चल बोल, अच्छे से बोल। हेलो, कुछ बोलेगा? हेलो गैस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे ही हो गए, अच्छे रहने भी चाहिए। बिल्कुल, हमारे भाई का जो चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें। थैंक यू।